विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से, सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट, सब्जेक्ट कोड BC 203 में मेरा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अर्थात उद्यमिता विकास। उद्यमिता विकास वर्तमान समय में व्यावसायिक उपक्रम को सफलतापूर्वक प्रारंभ करना एक कठिन कार्य है। उद्यमी को व्यवसाय संचालन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए एक विवेकपूर्ण योजना बनानी होती है। उद्यमी में विभिन्न व्यक्तिगत गुण जैसे दूरदर्शिता, साहस, उत्साह, कल्पना शक्ति आदि के साथ साथ उद्योग का तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक होता है। युवा पीढ़ी को किसी रोजगार की तलाश में न भटकना पड़े और वह स्वयं का ही उद्योग स्थापित कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उद्यमिता विकास के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। स्वयं का उद्योग सिर्फ उद्यमी का ही विकास न करके बल्कि देश के सर्वांगीण विकास में भी सहायक होता है। सबसे पहले हमें उत्पाद का चयन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उद्योग की सफलता न केवल उद्यमी के साहस, अनुभव, पूंजी आदि पर निर्भर करती है बल्कि एक प्रमुख बात पर भी निर्भर करती है, जिसे सही उत्पाद का चयन कहते हैं। उत्पाद का चयन उद्योग लगाने वाले उद्यमी का पहला कदम है। जब भी नया उद्योग लगाया जाता है तो उद्यमी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करके सही उत्पाद का चयन करे, क्योंकि उत्पाद का चयन एक बार किया जाता है और एक बार उद्योग स्थापित करने के पश्चात उसे बदलना अत्यंत कठिन होता है। उत्पाद के चयन में उद्यमी को निम्न जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। पहला है उत्पाद का बाजार सर्वेक्षण, दूसरा उद्यमी की पूंजी निवेश क्षमता, तीसरा उत्पाद के कच्चे माल की उपलब्धता, चौथा उत्पाद प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, पांचवा उद्यमी की दक्षता, ज्ञान एवं क्षमता, सिक्स्थ उद्योग द्वारा संभावित लाभ और सेवेंथ औद्योगिक नीति। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बाजार सर्वेक्षण। उद्योग की स्थापना के बाद उद्यमी के सामने प्रमुख कार्य उत्पाद के विपणन का होता है। उचित समय में उत्पाद के न बिकने पर उद्योग की कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ सकता है। बाजार सर्वेक्षण में उत्पाद के बारे में निम्न जानकारी एकत्रित की जाती है। वर्तमान में उत्पाद के उत्पादन स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात जो उत्पाद हम बना रहे हैं उसके दूसरे स्रोत या सोर्सेस कितने हैं, विभिन्न स्रोतों में कितनी प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन है, बाजार में वर्तमान में उस उत्पाद की कितनी मांग अर्थात डिमांड है, बाजार में उस उत्पाद की उपलब्धता कितनी है, जिस उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं भविष्य में उसकी मांग की क्या स्थिति रहेगी, उद्यमी द्वारा उत्पादित उत्पाद के विपणन की क्या संभावनाएं होंगी। उपरोक्त बिंदुओं पर जानकारी बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्रित की जाती है। सेकंड पॉइंट है उद्यमी की पूंजी निवेश क्षमता, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। उद्योग को स्थापित करने के लिए मुख्य महत्वपूर्ण घटक उद्यमी की पूंजी निवेश क्षमता है। अतः उत्पाद चयन के समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चयनित उत्पाद को निर्मित करने के लिए लगाए जाने वाले उद्योग में आवश्यक पूंजी उद्यमी द्वारा निवेश की जानी संभव हो। उद्योग ऐसा हो कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद का निर्माण लाभप्रद हो और पूंजी निवेश भी उपलब्ध स्रोतों के अनुरूप ही हो, क्योंकि उद्योग की स्थापना पूंजी निवेश पर लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है, इसलिए उद्योग में पूंजी निवेश पर आकर्षक लाभ भी आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रत्येक उत्पाद के निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, अतः उत्पाद चयन करते समय उद्योग के लिए कच्चे माल के बारे में निम्न बिंदुओं की जानकारी एकत्रित करना आवश्यक है। पहला, प्रस्तावित उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता कितनी मात्रा में है, क्वांटिटी। दूसरा, उद्योग भवन में कच्चे माल की भंडारण क्षमता कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी।
नेक्स्ट है, कच्चे माल के स्रोत कौन कौन से हैं और उनकी उद्योग से दूरी कितनी है। कच्चे माल के स्रोत से माल की उपलब्धता कितनी है। कच्चे माल के स्रोतों से यातायात सुविधा अर्थात यातायात के क्या साधन हैं। विभिन्न स्रोतों पर कच्चे माल की दर रेट क्या है। विभिन्न स्रोतों पर उपलब्ध कच्चे माल की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी कैसी है। उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने के बाद निश्चित स्रोत से कच्चे माल की लागत निकाली जाती है। उद्योग अधिकतर कच्चे माल के स्रोत के निकट ही लगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यक मात्रा में उचित लागत पर उपलब्धता भी उत्पाद चयन के लिए एक आवश्यक घटक है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। उत्पाद के निर्माण में उच्च एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। उच्च एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का तैयार होता है, जिससे उत्पाद की मांग भी अधिक होगी और बाजार में उत्पाद की साख भी बनी रहेगी। उत्पाद की डिज़ाइन आकार किस्म अच्छे होने के साथ साथ ऐसे होने चाहिए जो बनाने में सरल एवं मितव्ययी हो और ग्राहकों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो। वस्तु का नाम रंग ब्रांड लेबल और पैकेजिंग आकर्षक होने चाहिए। उचित और सही उत्पादन प्रक्रिया के चुनाव से उत्पाद की उत्पादन लागत में कमी आती है और उत्पादन लागत कम होने से उद्योग के लाभ में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमी की दक्षता ज्ञान एवं क्षमता, नॉलेज कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्रेन्योर। उत्पाद के चयन के समय उद्यमी का ज्ञान उसके कार्य का अनुभव और किसी कार्य को करने की क्षमता तथा उसे सही रूप से पूरा करने की दक्षता भी उत्पाद चयन का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी उत्पाद विशेष में उद्यमी को यदि उचित जानकारी हो तो उद्यमी का झुकाव भी उसी उत्पाद की ओर होगा। यदि उद्यमी स्वयं दक्ष एवं सक्षम होगा तो उसे अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अन्यथा कई बातों की जानकारी के लिए उसे पूंजी लगानी पड़ेगी। इस प्रकार किसी उत्पाद विशेष में उद्यमी को पूर्ण जानकारी होगी तो उसे पूंजी निवेश भी कम करना पड़ेगा। इस प्रकार उत्पाद चयन के समय उद्यमी की दक्षता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है उद्योग द्वारा संभावित लाभ। प्रत्येक उद्यमी उद्योग की स्थापना अपनी पूंजी लगाकर इसलिए करता है कि उसे उस उद्योग द्वारा धन प्राप्त हो। उत्पाद के चयन में आवश्यक है कि उस उत्पादन से अधिक मात्रा में धन अर्जित किया जा सके। लाभ कमाना उत्पाद की अधिक मांग और कम लागत पर निर्भर करता है। उत्पादन लागत कम होने से उद्योग के लाभ में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति से आशय सरकार द्वारा उद्योगों के संबंध में अपनाई गई नीति से है। इसके अंतर्गत भी सभी नीतियाँ और नियम आते हैं जो उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और वह सरकारी घोषणाएं जो उद्योगों की स्थापना संचालन और नियंत्रण से संबंध रखती है औद्योगिक नीति कहलाती है। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश में तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। प्रत्येक औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। समय समय पर अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं प्रोत्साहन योजना घोषित की जाती हैं, जैसे तकनीकी सुविधाएं, लघु उद्योगों के क्षेत्र में निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराने के लिए दो संस्थाएं कार्यरत हैं, जिला उद्योग केंद्र और लघु उद्योग सेवा संस्थान। पंजीकरण, लघु उद्योगों का पंजीकरण राज्यों में जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कई सुविधाएँ प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड का आवंटन, भवन निर्माण की अनुमति, बिजली कनेक्शन की स्वीकृति, वित्तीय सहायता, बिक्री कर
और उत्पादन के अंतर्गत पंजीकरण। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। विभिन्न संगठनों द्वारा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में उद्योग की स्थापना के समय आने वाली समस्याओं के समाधान के तरीके और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। इस उद्देश्य से सेमिनार, औद्योगिक वर्कशॉप, आधुनिकीकरण पाठ्यक्रम आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। वित्तीय सुविधाएं। वित्त के अभाव में लघु औद्योगिक इकाइयों को कोई कठिनाई न आए, इस उद्देश्य से कई संस्थाएं लघु उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था करती है। विपणन सहायता। लघु उद्योगों के सामने उत्पादित माल की बिक्री भी अपने आप में एक समस्या है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे निर्यात संवर्धन के अंतर्गत प्रदर्शनियों का आयोजन, आयात निर्यात लाइसेंस सुविधा, सीमा शुल्क में छूट आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लघु औद्योगिक इकाइयों का विभिन्न संस्थाओं द्वारा पंजीकरण किया जाता है, जिनका उत्पादन लघु उद्योगों के क्षेत्र में किया जाता है और फिर सरकारी विभाग द्वारा इन वस्तुओं को खरीदकर लघु उद्योगों को विपणन में सहायता दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चयनित उत्पाद के बारे में राज्य एवं केंद्र सरकार की नीति उद्योग की सफलता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यह सभी घटक उत्पाद चयन को प्रभावित करते हैं। सेकंड मुख्य घटक है स्थान चयन या साइट सेलेक्शन। किसी भी उद्योग की सफलता या असफलता में स्थान के चुनाव का विशेष प्रभाव पड़ता है। किसी उद्योग के लिए स्थान के चुनाव को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है कच्चे माल की उपलब्धता। किसी भी उद्योग में प्रयोग में आने वाले कच्चे माल के संबंध में उसकी उपलब्धता और उसकी प्रकृति का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यदि कच्चा माल भारी प्रकृति का है और उसके यातायात में भारी व्यय की संभावना है, तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के केंद्र के आसपास ही करनी चाहिए, जैसे लोहा, इस्पात, चीनी उत्पादन तथा खनिज संपदा पर आधारित इकाइयाँ आदि। इसके अतिरिक्त उचित दर पर कच्चे माल की उपलब्धता और उद्योग में कच्चे माल को लाने हेतु यातायात सुविधा, लागत एवं समय की आवश्यकता का भी ध्यान रखना होता है। बाजार की निकटता। उद्यमी का उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित कर देना ही नहीं होता है, बल्कि उत्पादित माल को कम से कम व्यय पर बाजार में पहुँचाना भी होता है। अधिकांश उद्योग बाजार के निकट स्थापित किए जाते हैं, जहाँ पर कि विशेष उत्पाद की बिक्री की समुचित व्यवस्था होती है और क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में एकत्रित होते हैं। वहाँ पर कम व्यय में शीघ्रता से उत्पाद को बेचा जा सकता है, इसलिए बाजार की समीपता को प्रमुखता देनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रम की आपूर्ति। स्थान का चुनाव करते समय उद्योग में लगने वाले श्रम की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना होता है। यदि उद्योग के लिए किसी विशेष प्रकार के श्रम की आवश्यकता है, तो श्रम की लागत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जगह लगाने पर श्रम महंगा होगा और उत्पादन लागत को बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए नारियल उद्योग में काम आने वाला श्रम दक्षिण भारत में ही उपलब्ध होता है, अतः इस प्रकार के उद्योग श्रम केंद्रों के निकट स्थापित करना लाभप्रद होता है। राजकीय नीतियाँ। उद्योग के स्थान को राजकीय सुविधाएं एवं राज्य प्रतिबंधित प्रभावित करते हैं, इसलिए राजकीय नीतियों को ध्यान में रखकर स्थान का चुनाव करना चाहिए। उद्योग के स्थान पर बिजली व पानी की पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। उद्योग का स्थान वातावरण उत्पादित वस्तुओं के लिए उपयुक्त होना चाहिए। सीवेज और वेस्ट डिस्पोजेबल का उचित प्रबंध होना चाहिए। उद्योग के पास चिकित्सालय संबंधी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। उद्योग के स्थान के पास बाढ़ आने, आग लगने या अन्य दूसरी बातें जिससे उद्योग को नुकसान हो आदि का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यंत्रों और उपकरणों की मरम्मत की सुविधाएं
निकट ही या पास ही होनी चाहिए। उपरोक्त जानकारी के आधार पर स्थान का चयन तीन चरणों में किया जाता है। पहला है क्षेत्र का चुनाव, सेलेक्शन ऑफ रीजन। उद्योग के लिए क्षेत्र का चुनाव निम्न तौर पर किया जाता है, जैसे शक्कर के कारखाने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, इस्पात उद्योग बिहार और उड़ीसा में, मार्बल उद्योग राजस्थान में सफल होता है। उद्योग में जब ऊर्जा का महत्व हो, जैसे कोयले पर आधारित उद्योग बिहार में ज़्यादा सफल होते हैं। इसी प्रकार जलवायु के आधार पर सूती कपड़े की मिलें गुजरात और महाराष्ट्र की जलवायु के आधार पर वहीं लगाने पर लाभप्रद होती हैं। शहर या कस्बे का चुनाव। शहर या कस्बे का चुनाव उद्योग को सुचारू रूप से चलाने वाले सभी घटकों पर निर्भर करता है, जैसे श्रमिकों की उपलब्धता, विद्युत, जल एवं यातायात सुविधा, अग्निशमन एवं संचार सुविधा, आवास व मनोरंजन सुविधा, चिकित्सा एवं शिक्षण संस्था उपलब्धता, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं आदि। स्थान विशेष का चुनाव। शहर या कस्बे का चुनाव करने के पश्चात अंतिम कार्य उस शहर में उपयुक्त स्थान का चुनाव है। किसी निश्चित स्थान का चुनाव मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है भूमि की उचित दरों पर उपलब्धता और दूसरा वेस्ट मटेरियल के निस्तारण की सुविधा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्थान का चयन किया जाता है। थैंक यू।